आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने 1 जनवरी से 23 चीजों को सस्ता कर दिया है। 22 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर से टैक्स हटाने का फैसला किया गया था, जिनमें सिनेमा टिकट, 32 इंच के टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर से जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा पावर बैंक, डिब्बा बंद खाना और फ्रोजन सब्जियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए एसेसरीज को 28% टैक्स से निकालकर 5% के दायरे में लाया गया है। यानी नए साल में मोदी सरकार ने आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर लगभग सभी उत्पादों पर जीएसटी को कम किया है। केवल कुछ गैर जरूरी चीजों को ही जीएसटी में 28% टैक्स के दायरे में रखा गया है। कुल मिलाकर ये आम आदमियों के लिहाज से एक अच्छी खबर है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें। आम आदमी को नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने 1 जनवरी से 23 चीजों को सस्ता कर दिया है। 22 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर से टैक्स हटाने का फैसला किया गया था, जिनमें सिनेमा टिकट, 32 इंच के टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर से जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा पावर बैंक, डिब्बा बंद खाना और फ्रोजन सब्जियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए एसेसरीज को 28% टैक्स से निकालकर 5% के दायरे में लाया गया है। यानी नए साल में मोदी सरकार ने आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखकर लगभग सभी उत्पादों पर जीएसटी को कम किया है। केवल कुछ गैर जरूरी चीजों को ही जीएसटी में 28% टैक्स के दायरे में रखा गया है। कुल मिलाकर ये आम आदमियों के लिहाज से एक अच्छी खबर है। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।